हुई है। हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुपवाड़ा में भी बारिश हुई है। अगर हम बॉर्डर इलाकों की बात करें जैसे टंगडार, केरन, मच्छल, वहाँ पर जो है हल्की फुल्की बर्फबारी भी हुई है। देखिए कल शाम को जो है केरन में जो है लैंडस्लाइड भी हुई, पत्थर गिरे, और यहाँ पर जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। तो किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त काम ले रही है और किस तरह की हिदायत आप लोगों ने जो है तमाम ऑफिसर को दी है? देखिए अभी जो हमारा फोकस है वो रेस्क्यू और इवैक्यूएशन पे है रादर देन रेस्टोरेशन। अभी तक हमारे 25 गांव जो हैं वो इनंडेट हो चुके हैं और ज्यादा गांव ये हंडवारा में है जहां पर लो लाइंग एरियाज हैं हमारे, वहां पर 133 लोग 133 लोगों को हमने ऑलरेडी इवैक्यूएट कर लिया है। अभी भी इवैक्यूएशन जो है वो ऑनगोइंग है। सोगाम में कुछ इवैक्यूएशन हो रही है, लालपुरा में कुछ हो रही है, यहाँ द्रगमुला में भी कुछ हुई है, एंड देन हंडवारा में मेजर इवैक्यूएशन हुई है। सो दैट इवैक्यूएशन इज आवर प्राइमरी फोकस, ताकि कोई लॉस ऑफ लाइफ ना हो, दैट इज आवर फर्स्ट एंड प्राइमरी फोकस राइट नाउ। ऑफ कोर्स कुछ जो रोड्स हैं दैट हैव बीन डैमेज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंसेसेंट रेन्स, एंड दैट एक स्पेशली ये शुमरियाल का जो विलेज है उसमें थोड़ा डैमेज हुआ है। अब इस पे हम वी विल हैव अ डाइवर्जन, हमने एक्सेस की बात की, एंड दैट विल बी डन इन अ फ्यू आवर्स और बाय द एंड ऑफ दिस डे टुडे। बाकी जो फुल रेस्टोरेशन है विल बी डूइंग विद इन अ मंथ्स टाइम। इन एनी केस जितने भी डैमेजेस हुए हैं वी विल बी सीकिंग द रिपोर्ट फ्रॉम द तहसीलदार्स। जो जो डैमेजेस हुए हैं वी विल बी पोजिंग दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आल्सो टू द गवर्नमेंट सो दैट वी कैन टेक अप। लास्ट में जाना चाहेंगे मैम कि जिस तरह से स्कूलों को जो है आज छुट्टी की गई है, अगर इसी तरह लगातार बारिशें हुई क्या कल से जो है दोबारा स्कूलों की छुट्टी और एग्जाम भी है कुछ कल बॉर्डर इलाकों में, किस तरह आप इस चीज को देखें? देखिए स्कूल्स का जो है मैं हम असेस करेंगे आज शाम को कि इफ देयर नीड्स टू बी दे नीड टू बी क्लोज्ड टुमारो, ओनली आफ्टर असेसमेंट तभी हम आपको कुछ बता पाएंगे। जहाँ तक एग्जाम्स की बात है वो पूरे यूटी में है, एंड दैट कॉल हैज टू बी टेकन बाय जेके बोस। हमने जो यहाँ की रिक्वेस्ट है लोगों की वो जेके बोस तक पहुँचा दी है, व्हाट एवर दे डिसाइड वी विल हैव टू इंप्लीमेंट दैट। तो नाज़रीन डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधा ने जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को जो है वो इस वक्त आज खुद मॉनिटर कर रही है। हालांकि इनका ये साफ तौर मानना है कि लगातार बारिशों की वजह से जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में पैदा हुई है, उन्होंने जो है लोलाब के साथ साथ जो है मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया है। इनका ये साफ तौर मानना है कि लोगों से जो है अपील की जाती है नदी नालों की तरफ जो है वो ज्यादा ना जाएं, क्योंकि इस वक्त जो है नदी नालों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, और जिन इलाकों में इस वक्त पानी जो है आया है या जिन मकानों को खतरा है वहाँ के लोग जो है वो अपने आप को इस वक्त जो है सेफ जोन में रखें, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से यहाँ पर लगातार बारिशें हो रही है आने वाले वक्त में जो है हो सकता है कि सैलाबी सूरत हाल जो है वो बढ़ सकती है। तो डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधा ने जो है तमाम लोगों से अपील की है वो अपने आप को फिलहाल सेफ करें, उसके बाद जो है जिला इंतजामिया जो है वो ऑन टू है। इन्होंने जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों के साथ साथ तमाम मुलाजिमों को जो है अलर्ट पर रखा है कि किसी भी इलाके में कोई भी मुश्किल हो उनका जल्द से जल्द अजाला किया जाए। इस वक्त जो है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधा जो है हर इलाके में जो है खुद जाकर जो है विजिट कर रही है और तमाम अफसरों को हिदायत जारी की है कि इन इलाकों पर जो है कड़ी से कड़ी नजर रखी ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान ना हो। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, कुपवाड़ा।